जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 8:08, 8:08 AM, 19 मई 2021, और आज बुधवार है, वेडनेसडे 19 मई 2021, 8:08 AM। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, इसको पढ़े बिना मेरा वीडियो मत देखिए। और वेबिनार का बता देता हूँ, कुछ कम सीटें बची है, बहुत कम सीटें बची है। अगर आपको करना है ज्वाइन, 9635476788 पे व्हाट्सअप करिए अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी एक नॉर्मल फ़ोटो, सेल्फी फ़ोटो। आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह मत भेजिए मुझे, वरना ऐसे ही ब्लॉक कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको लगता कि मुझे पैसे की पड़ी है इसलिए मैं ये करता हूँ, ये सिर्फ सिखाने के लिए, इसलिए ये फीस कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो जो लोग को लगता कि मैं सीखने वाला हूँ, मैंने डिटेल दिया, इसने जवाब नहीं दिया, मैं सीधा ब्लॉक मारता हूँ। कोई खातरी नहीं है यहाँ पे किसी की भी। जो करना मैं यूट्यूब में करके दे रहा हूँ। मेरा एक मोटिव है कि डोंट ट्राई टू कम क्लोज़र टू मी, ओके, आई डोंट लाइक दिस। जितना है यूट्यूब में मैं दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, कोई चार्जेस अप्लाई नहीं करता हूँ कहीं पे भी, कोई ज्वाइन वाइन कुछ नहीं है, ना कहीं आपसे सुपर चैट मांगता हूँ। कुछ तो बाबा लोग भी बने हुए हैं, सुपर चैट भी ले रहे 100-200 और आपको स्टॉक बताते, और उनको खुद को बाबा जी का घंटा ही नहीं आता है। आप लोग समझ गए हो मैं कौन से बाबा के बात कर रहा हूँ। वो साला खुद अभी सीख रहा है टेक्निकल का टी। तो ऐसे भी कई लोग, कितने फ्रॉड्स आ गए इस, मैं क्या बोलूँ मैं तुम। एनीवे दोस्तों, लेट इट गो। मार्केट आज आपने देखा होगा कि SGX आ गया माइनस, तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस से प्रेडिक्शन या स्टडी विथ लॉजिक, ऐसे नहीं तुक्के नहीं मार रहा हूँ, तो आपने शायद ही अपने पूरे जीवन में देखा होगा। मैं खाली आज की बात नहीं कर रहा, पूरे जीवन में। तो यू नो, क्योंकि मैं भी 33 साल से इस मार्केट में, 47 की एज है, और फ्रॉम द एज ऑफ 14 आई एम इन द स्टॉक मार्केट, ओके। तो बहुत टाइम दिया है, बहुत अपना खून पसीना पैसा सब कुछ दिया है इसको, बहुत घाटे खाया है, बहुत कुछ सीख, तब जाके इतना नॉलेज पाया है। किसी से सीखने नहीं गया आज तक, कोई क्लास अटेंड करने नहीं गया, कोई भी सिंगल क्लास लाइफ में अटेंड नहीं किया, ना इसकी ना एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी पे भी अगर मैदान में उतरूँगा तो कई एस्ट्रोलॉजर का पार्टियाँ साफ कर सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है कि ये सब दुकानें खोल के बैठे हैं आपके लिए, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स एंड थोड़ा फोकस करो सीखने पे। लाइफ में किसी के भरोसे मत रहो, खुद सीखो और खुद जानो। आपको एस्ट्रोलॉजर क्यों ठगते हैं? चाहे आपको आपकी कुंडली देखते हैं तब ठक लेते हैं कि आपको काल सब दोष की पूजा करानी है, इसकी पूजा करानी है, उसकी पूजा। आपकी कुंडली में तो शेयर मार्केट के योग ही नहीं है, वो आपको बताएगा आपके क्या योग है। जो खुद आपके भरोसे बैठा है कि आपके 2000 रुपये आएंगे तो उसके घर में दाल रोटी चलेगी, हाँ। तो थोड़ा अकल लगाओ यार, जब विधाता ने जो लिख दिया उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। सिर्फ कर्म अच्छे करते जाओ, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ओके। और मेहनत करो, टेक्निकल्स ही आपको स्टॉक मार्केट बताएगा, नोबडी एल्स कैन। दैट्स इट। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय।